दोस्तों, जी हाँ, आप लोगों को बताना जा रहा हूँ कि एक बार फिर से निशांत भट्ट और प्रतीक सेजवाल के बीच में बहुत बड़ी दरार आ चुकी है, क्योंकि आखिरकार झगड़े की वजह क्या है आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। हालांकि निशांत भट्ट और प्रतीक सेजवाल में से कोई भी टिकट टू फिनाले जीत नहीं पाया है, और उन्हीं का ही कई कारण ऐसे रहे हैं कि एक दूसरे के जो कि इन दोनों में मनमुटाव दिखता जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि निशांत भट्ट और प्रतीक सेजवाल के बीच में उस दौरान भी लड़ाई देखने को मिली थी जब टास चल रहा था रश्मि देसाई एंड डेवोलिना भट्टाचार्य के बीच में, जब निशांत भट्ट लगातार डेवोलिना भट्टाचार्य को टारगेट कर रहे थे और रश्मि देसाई को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे। तभी प्रतीक लगातार निशांत भट्ट को डांटते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने बोला कि तुम किसी और को भी टारगेट कर सकते हो, लेकिन तुम डेवोलिना भट्टाचार्य को टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन उसमें बोल दिया साफ साफ खुले शब्दों में निशांत भट्ट ने कि अगर डेवोलिना को कोई प्रॉब्लम है तो वो उतर जाए और टास्क ना करे, लेकिन मैं अपना टास्क पूरा ही करके रहूंगा। दोस्तों, उसमें रश्मि देसाई विनर बनी थी उस टास्क के दौरान, क्योंकि अब टिकट टू फिनाले चार लोग टिकट जीत चुके हैं, और चार लोग कौन जीत चुके हैं, पहली राखी सावंत है, दूसरी आपकी अपनी फेवरेट जो सदस्य हैं वो दूसरी सदस्य आते हैं आपके उमर रियाज एक ऐसे सफल एक्टर रहे हैं कि जिन्होंने काफ़ी अच्छी जर्नी तैयार की है, और तीसरा टिकट जीतने वाले नाम आ चुका है आपके अपने करण कुंद्रा ने टिकट टू फिनाले में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है, और चौथा नाम तो आप समझ ही रहे होंगे कि मैं किन की बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि चौथा टिकट आपके अपनी रश्मि देसाई हैं। रश्मि देसाई ने भी टिकट टू फिनाले जीत लिया है उमर रियाज के साथ में, और वाकई में चारों के चारों सदस्य बतौर अच्छे सदस्य मिले हैं। लेकिन सबसे दुख भरी बात यह है कि प्रतीक और निशांत के बीच में दरार आ चुकी है, और ये दरार अब कब तक देखने को मिलेगी वो तो समय ही बताएगा। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ गाइस, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।